अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरे अगले वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको जिस थंबनेल देखकर पता चल जाए कि वीडियो में आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर दोस्तों इतनी आसानी से समझाऊंगा, दो क्वेश्चन लिया हूं और आपको किसी भी उसके बाद इस वीडियो के बाद आप किसी भी व्यक्ति की उम्र जानकर उसके बता देंगे कितने महीने हो गए हैं, कितने साल हो गए, कितने दिन तक बताएंगे आप कि 18 महीने 10 18 साल 10 महीने 2 दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया, टोटल आपको इस वीडियो के देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं। आपको पता है दिन होते हैं, दिन से बड़ा क्या होता है, महीना होता है, और महीनों से दिनों से मिलकर क्या बनता है, महीना बनता है। ठीक है, महीना और महीने के बाद महीनों से मिलकर बन जाता है आपका साल। ठीक है दोस्तों, साल बनता है। अब महीने कितने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और साल कितने होते हैं, साल दोस्तों तो मतलब अनलिमिटेड होते हैं, दशक डिकेड होते हैं, साल तो चलते रहेंगे, लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं आपको पता है, 12 होते हैं। और दिन कितने होते हैं, किसी में दोस्तों जैसे 28 महीने 28 दिनों का महीना होता है, कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है, कभी 31 का भी महीना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब साल कितने, साल मतलब डिकेड, 10 दशक मतलब 100 साल हो गए। अब जैसे ये 2004 दिया है यहाँ पे, अब फिर 2021, तो मतलब साल बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सालों की संख्या कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अनलिमिटेड है, बढ़ते जाएंगे मत, बल ये जो है ये आपके लिमिट है इनकी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, कैसे आप निकालेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, किसी व्यक्ति की तिथि है, उसका दोस्तों जन्म हुआ था 25 तारीख को। ठीक है दोस्तों, और 25 को हुआ था, वो भी कब, छठे महीने में हुआ था। ठीक है, छठा महीना कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 25 जून 2004 को किसी का जन्म हुआ था, और हम आज मान लिया कि है 22 दिसंबर और 2021। ठीक है, तो अब दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, तो पहले दोस्तों हम ये हमने बताया था दिन से शुरू होता है, तो हम पहले यहाँ दिन से हल करना शुरू करेंगे। और वैसे जो आपने क्वेश्चन अगर किए होंगे हल, जैसे 2 4 5 या 6 7 8 इनको जोड़ेंगे तो इधर से जोड़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इधर से ना जोड़कर ये अलग टाइप है, उल्टा साइड से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों पहले देखते हैं, 22 है ये ऊपर और नीचे कितना है, 25 दिया हुआ। अब 22 में से तो 25 निकलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इधर ये महीने हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये आपके दिन हैं और ये महीना है, ये वर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया। अब इधर से क्या है, 22 है और 22 में से 25 तो जाएगा नहीं, माइनस नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, इधर से एक लेना है और इधर है क्या, महीना, तो हम इधर से एक लेंगे, एक महीना, तो इधर कितना हो जाएगा, 22 पहले से था, तो 22 था पहले से, फिर 22 और एक महीना मान लिया 30 दिन वाला है, तो 30 कितना हो जाएगा, 30 और 2 5 52 हो जाएगा। अब 52 में से 25 को आपको माइनस कर देना है, 25 को माइनस करोगे कितना बचेगा, अब इधर 12 लाए, 12 से 5 गए कितना बचेगा, 7, अब 4 यहां थे, 4 बचे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना इधर आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखते हैं महीना कितने बचे क्या, तो दोस्तों यहाँ 12 था पहले, हमने एक इधर से कैरी इसके लिए लिया था, तो कितने बचे थे, 11 बचे, और 11 से 6 अगर जाएंगे तो कितना बचेंगे, आपके पास बचेंगे 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा है, अब दोस्तों वर्ष है, अब वर्ष को घटा लेते हैं, तो इधर देखो ये एक है, ठीक है, और एक से 4 तो जाएगा नहीं, फिर आपको क्या करना है, इधर से एक लेंगे कैरी, कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 4 जाएंगे, बचेंगे कितने, 7। ठीक है, 7 4 11 होता है, फिर
इधर क्या बचा, एक बचा, और एक को जीरो से माइनस करोगे कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, मतलब क्या आ गया दोस्तों, 27 तारीख, पांचवा महीना, 17 वर्ष। ठीक है दोस्तों, मतलब 17 वर्ष जिस व्यक्ति की आयु है वो व्यक्ति हो गया 17 साल 5 महीने 27 दिनों का हो गया। कितना, 17 साल 5 महीने 27 दिनों का हो गया है। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा दोस्तों किस बेस पे आधारित है, दोस्तों ये इस बेस पे आधारित, यहां देखते हैं आप, एक महीना है और नीचे कितना, जब उसका जन्म हुआ था तब पांचवा महीना चल रहा था, और आज वो जितने साल का हुआ तब पहला महीना है, मतलब जनवरी है। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हम इधर से माइनस करना शुरू करेंगे, तो इधर भी क्या है, 20 है और नीचे क्या है, 22 है, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है दोस्तों यहां पर क्या है, हम यहां से लेंगे इधर से एक कैरी, कैरी लिए कितने हो गए 30, फिर निकाले तो 30 और 20 कितना होता है, 30 और 20 आपका हो जाएगा 50। ठीक है, और 50 में से 22 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा, ये 10 यहां लाओगे, जीरो पे एक डालोगे 10 हो गया, और दो नीचे है 8 बचे, फिर क्या इधर 4 बचा, 4 में से 2 गए, 2 मतलब 28 बचेंगे, यहाँ पे 28 बचे। हमने यहाँ दोस्तों एक लिया, एक महीने में से, ये महीना है ठीक है दोस्तों, और ये दिन है आपके, ये वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया फिर से। अब इधर क्या करना है आपको, 28 था ये, इसमें से लिया 30, इसमें से लिया, इधर कितने हुए 50, 50 में से 22 के 28 बचेंगे, मतलब 28 दिन आए। अब दोस्तों बचे हैं क्या, महीना। ठीक है दोस्तों, पहले हमने, अब इधर तो दोस्तों ऊपर रह गया 0, एक भी महीना नहीं, और नीचे 5 है, तो इसको कैसे माइनस करेंगे, तो दोस्तों हम यहां से लेंगे एक साल में, ये जो साल दिए हुए, वर्ष दिए हैं, इनमें से हम एक कैरी लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक इसमें से वर्ष लेंगे, तो इधर से तो एक लेंगे, लेकिन एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एक महीने साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 जब है और 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा आपका। ठीक है दोस्तों, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर इसको, अब दोस्तों इधर क्या बचा, अब हमने तो यहां से एक कैरी निकाल लिया था, तो कितना बचा, 0 बचा यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर से एक कैरी लेंगे, इधर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहां पर बचा 1, और नीचे 0 है, तो मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 से 0 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब जिस व्यक्ति की मैं आयु निकाल रहा हूं वो 17 साल 7 महीने 28 दिनों का हो गया। क्या, 17 साल 7 महीने 28 दिनों का हो गया है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, तब घंटी वाला आइकन जरूर दबा लेना, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, और मैं ट्रिकी मैथ्स, ट्रिकी रीजनिंग, ट्रिकी जीएस, सारा को ट्रिकी पढ़ाता हूँ, तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।